इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 3 जुलाई से पहला टी20 मुकाबला खेला जाना है और इस टी20 मुकाबले को लेकर दोनों ही टीमें बेहद जोर शोर से तैयारियां करते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम अपने सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में उतरती हुई दिखाई देगी। वहीं पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बेहतरीन जीत हासिल करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर फतह करने के उद्देश्य से मैदान में उतरती हुई दिखाई देगी। लेकिन यदि इस मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की बात की जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम को मुकाबले से पहले बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे सकता है। इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को बेहद आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजों की जरूरत है। वहीं पर इस मुकाबले से पहले प्रैक्टिस मैच के दौरान रोहित शर्मा के उंगलियों में चोट लगती हुई दिखाई थी और रोहित शर्मा प्रैक्टिस मैच के दौरान ही बीच मैदान से वापस पवेलियन की ओर लौटते हुए दिखाई दिए। यदि रोहित शर्मा की उंगलियों पर यह चोट गंभीर पाई जाती है तो रोहित शर्मा मुकाबले से पहले टीम से बाहर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और यदि रोहित शर्मा पहले ही मुकाबले से टीम से बाहर होते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इस मुकाबले में मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। हालांकि यदि रोहित शर्मा मुकाबले से पहले फिट पाए जाते हैं तो वह आपको इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में निश्चित रूप से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। किसकी टीम है खतरनाक और किसकी होगी जीत? पोस्ट पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।